दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के चुनावों की घोषणा होने में महज कुछ दिन या एक दो सप्ताह ही बचे हैं, यानी चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं और संभावित उम्मीदवार टिकट पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार लाइन में लगे हैं, चाहे वो भाजपा की बात हो चाहे कांग्रेस की बात हो। लेकिन दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं, फरीदाबाद ओल्ड फरीदाबाद सीट से पिछली बार विधायक रहे और कैबिनेट मिनिस्टर रहे विपुल गोयल की बात करने जा रहे हैं कि वो चुनाव फरीदाबाद सीट से लड़ेंगे, ओल्ड फरीदाबाद सीट या बल्लभगढ़ सीट। दोस्तों, चूंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, पिछली बार उन्हें टिकट नहीं मिला था, उसके बावजूद भी वो जोरों से तैयारियां कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। पहले मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं कि पिछली बार कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए भी उनका टिकट काट दिया गया था, जबकि उन्होंने पूरी तैयारियां की हुई थी चुनाव लड़ने की, तो इससे उनको और उनके समर्थकों को भारी निराशा हुई थी। दोस्तों, लेकिन विपुल गोयल ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपने पैर पीछे खींचे और वो लगातार भाजपा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहे और अपने क्षेत्र में लगातार जनता के संपर्क में रहे और उन्होंने इस तरीके से काम किया कि कोई जैसे कोई जीता हुआ विधायक या मंत्री करता है, वो उसी तरीके से काम करते रहे। अब भाजपा के सूत्रों का कहना है कि इस बार उनको फरीदाबाद सीट से फिर टिकट मिल सकती है और यदि फरीदाबाद सीट से टिकट नहीं मिली तो वो बल्लभगढ़ से भाजपा के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं संक्षिप्त में बता दूं कि दोहरा दूं कि पिछली बार विपुल गोयल की टिकट एंड टाइम पर क्यों काट दी गई थी, तो उसका कारण जो बताया जाता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की गुड बुक में विपुल गोयल नहीं रहे थे और कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं, फरीदाबाद के सांसद हैं, उनसे भी उनकी कई कारणों के चलते अनबन हो गई थी। हालांकि पहले उनका इतिहास दोस्त जो रहा है वो दोनों का दोस्ताना रहा है, बहुत करीबी रहे हैं, लेकिन हो जाता है कई कारणों के चलते कई बार संबंधों में खटास आ जाती है। तो कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल खट्टर जी से कुछ कारणों के चलते उनके संबंध कुछ गड़बड़ा गए थे, इस कारण उनका टिकट कट गया। लेकिन पिछले 5 साल उन्होंने पूरी मेहनत की है और भाजपा आलाकमान के संपर्क में भी हैं, तो माना जा रहा है कि उनको इस बार फिर ओल्ड फरीदाबाद से टिकट मिल सकती है और कई कारणों के चलते यदि ओल्ड फरीदाबाद से नहीं मिली तो बल्लभगढ़ से भी वो भाजपा के उम्मीदवार हो सकते। लेकिन सवाल पैदा होता है कि यदि फरीदाबाद से उनको टिकट दी जाती है तो सिटिंग एमएलए नरेंद्र गुप्ता का क्या होगा, और यदि बल्लभगढ़ सीट पे उनका नाम आता है तो वहाँ तो मूलचंद शर्मा है और मूलचंद शर्मा सिटिंग एमएलए होते हुए कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तो ये दोनों बातें हैं जहां उनके समर्थक और कुछ भाजपा के नेता
उनके करीबी सूत्र बता रहे हैं कि इस बार उनको जरूर टिकट मिलेगी, लेकिन वहीं मैंने कारण बताया कि नरेंद्र गुप्ता और मूलचंद शर्मा का टिकट कटे तो उन्हें टिकट मिले। लेकिन एक दूसरा पक्ष भी इसका है, विपुल गोयल का, कि उनको टिकट क्यों नहीं मिल सकती। तो उसके लिए जो उनके विरोधी कह लीजिए या भाजपा सूत्र कह रहे हैं कि जो विपुल गोयल जी हैं उनको तो चुनाव समिति में रख दिया गया है, विपुल गोयल और राजीव जेटली बड़कल सीट से अपना दावा ठोक रहे हैं, जहां से सीमा त्रिखा मतलब सिटिंग एमएलए भी हैं और मंत्री भी हैं, तो उनको भी चुनाव प्रबंधन समिति में रख दिया गया है। तो इन दोनों को चूंकि चुनाव प्रबंधन समिति में रख दिया गया है और चुनाव लड़ने वालों में नहीं बल्कि चुनाव लड़ाने वालों में इनका नाम शामिल कर लिया गया है, और सूत्र जो बता रहे हैं या उनके थोड़े जो विरोधी हैं वो कह रहे हैं कि जब वो चुनाव प्रबंधन समिति में शामिल कर लिए गए हैं राजीव जेटली और विपुल गोयल फरीदाबाद से, तो फिर तो ये चुनाव लड़ाने वालों में होंगे, लड़ने वालों में नहीं, और ये फरीदाबाद में भी इनको जिम्मेदारी जी सकती है या हरियाणा में कहीं भी किसी भी सीट पर इनको चुनाव लड़ाने की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तो उन हालातों में तो नहीं लगता कि विपुल गोयल या राजीव जेटली को टिकट मिल सकता है, यानी एक तरीके से उनकी टिकट कट चुकी है। लेकिन दोस्तों, भाजपा में कब क्या हो जाए, आला कमान कब किसको हटा दे, बड़े से बड़े मंत्री को, बड़े से बड़े धाकड़ नेता को, जिस तरीके से पिछली बार विपुल गोयल का टिकट काट दिया गया था, तो उसी तर्ज पर किसी और का भी नेता का टिकट काट कर उनको टिकट दिया जा सकता है। तो दोस्तों, दोनों संभावनाएं बराबर हैं कि विपुल गोयल को टिकट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता, वो दोनों कारण हमने आपको गिना दिए। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, कल फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, और ये कहते हुए कि विपुल गोयल की इस बार लॉटरी खुलती है या नहीं, आप भी कमेंट्स करिए, हमें बताइए जो हमने कहा है, जो वीडियो बनाई है उससे आप कितने सहमत हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।